फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या करने के लिए रायपुर के चिन्हांकित लोगों को सुपारी दी थी। फिंगेश्वर एवं गरियाबंद पुलिस की सघन जांच में सारे राज खुलकर आए, जिसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इनमें दो आरोपी रायपुर के हैं तथा एक आरोपी गरियाबंद जिले का रहने वाला है। पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल एवं एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया, पीड़ित लोकेश गायकवाड़ टाटा सुमो किराए पर दिया करता था। बीते दिनों कुछ लोग रायपुर से पहुंचकर उसके टाटा सुमो को किराए पर ले गए थे, जहां जंगल के बीच में ले जाकर सुनसान जगह में उसके ऊपर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किए। इस प्रकरण पर फिंगेश्वर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए विवेचना जारी रखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर सारे तथ्यों को एकत्र करने के बाद उसके पिता से सघन पूछताछ किया, जिसमें अनेक राज खुलकर सामने आए। पिता कोमल गायकवाड़ की चौथी शादी को लेकर घर में पति पत्नी एवं बेटे के बीच आए दिन झगड़ा विवाद होते रहता था। साथ ही पिता द्वारा अपने पुत्र की दूसरी शादी को लेकर नाराजगी थी, जिसके चलते आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। इस प्रकरण के पूछताछ में उसके पिता ने बतलाया, अपने पुत्र की दूसरी शादी से नाराज था, जो अपने पुत्र के प्रति दुश्मनी रखते हुए रायपुर के शिवम तिवारी एवं अंकित जायसवाल को अपने पुत्र लोकेश गायकवाड़ को जान से मारने के लिए सुपारी दिया था। इस पर थाना फिंगेश्वर में हत्या के प्रयास 307 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की पता तलाश की गई। इसमें जो है अभी तीन आरोपी अंकित जायसवाल, शिवम तिवारी और कोमल सतनामी करके तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी कर आगे की जो है प्रक्रिया अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, कारण क्या था? ये जो है इसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो जो पीड़ित है उसके पिता है, जो कोमल सतनामी नाम है उसका, उसने जो है घर में आपसी विवाद अपने बेटे से उसका आपसी विवाद था, शायद जो है उनमें पारिवारिक विवाद था। पति पत्नी का जो उनका शादी हुआ था, ये इसके पिता की चौथी शादी थी, उस बात को लेकर के जो है लड़का जो है बार बार उनसे झगड़ा होते रहता था। इसी से तंग आकर के पिता ने जो है उसकी सुपारी दी थी। रायपुर के दो युवकों को उसने जो है बुलाया था इसमें घटना के अंजाम देने के लिए, और उन्होंने जो है गाड़ी की बुकिंग कराने के नाम पर उसको ठग बहाना करते हुए जो है उसको जमाई ले गए और वहीं पर जो है उसको जो है धारदार हमला से धारदार जो हथियार से है हमला किया था।